एक्चुअली यार ये पीसी यूज करो, इसकी स्क्रीन इतनी ब्लैक है कि वैसे तो जो शेयर होता है उसमें ये ना रेडिश लाइन आती थी, सर इसमें तो शेयर कोई तो हो गया लेकिन वो सर आपकी जी में लागे खुली हुई, डॉक्यूमेंट नहीं खुला। ये क्या कौन सा, ये पंप्स वाला या पंप रेगुलेशन वाला? सर बस जी मेल ही आ रही है आपकी, जो जी मेल आपने सेंड किया उसमें बस दो फाइलें नजर आ रही, ओपन नहीं हुई भी कोई। यस सर, ओपन नहीं हुई। एक मिनट, एक नीचे पंप्स का पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। नो सर, यार इसमें तो ओपन हो रहा है मेरे पास, ये ना इसको सर वो सिंपल कह रहे लाइक हैं, सिंपल सर वो कह रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा, स्क्रीन शेयर पे आपका जीमेल आ रहा है, वैसे आ चुका है पीडीएफ। अच्छा, स्क्रीन शेयर पे मसला है। ठीक है, वो जो मैंने अपलोड किए हैं वो तो आपके पास है ना? यस सर, वो खुल भी है ठीक हो पंप गया, के नाम से। मैं चेक करता हूँ फिर, ये वही बात हो सकता है फिर मुझसे गलती से मैंने स्लाइड कुछ और कर लिया। बताइएगा अब आ रहा है? हेलो, अब तो पंप्स आना चाहिए। यस सर, अब आ रहा चलो गुड हो गया। अच्छा यार ये जो भी हमने पंप्स के ऊपर हमने अभी तक किया ना, ठीक है, ये उसका बेसिकली ये सारा जो पंप्स का किया है मेनली मैंने इसको फॉलो किया, ठीक है। ये डिक्सन की बुक से ही बेसिकली लिया हुआ है। डेमियन वॉर्ड जो है ये एक्चुअली मेरा अपना टेक्नोमशीनी में सुपरवाइजर भी था। इसी के नोट्स हैं और ये बड़े इजीली अंडरस्टैंडेबल इसके ये नोट्स हैं, ठीक है। तो मोरलेस ये तफसीली ही इसमें ये लिखा हुआ है, तो आप जो है इसको फॉलो करें। इसके साथ मैंने कुछ थोड़े बहुत आपको मजीद भी जो है ना डिफरेंट जगह पे कुछ ना कुछ इसको ऑगमेंट करने के लिए या इवन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ना कुछ जो फिजिक्स वगैरह हो रही है ब्लेड्स के साथ, उसमें जब आप फ्लो को राइट टर्न करते हैं लेफ्ट टर्न करते हैं राइट मीन एग्जिल यानी उसको पॉजिटिव उसमें जो है आप एंगुलर मोमेंटम करते हैं या उसको नेगेटिव एंगुलर मोमेंटम उसमें बेसिकली एडिशन हो रही है। तो उसकी बेसिस के ऊपर जिस तरह हमने कहा कि पंप्स है या टर्बाइन है, इसी तरह लास्ट में स्पायरेशन वगैरह की बात की, तो जो डिफरेंट है वो माइट भी कुछ चीजें इसमें ना हो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं इवन कोशिश करूंगा कि यार एक ना अभी मैं यही चाह रहा था कि यार अपने तौर पर एक अपने टाइम में मैं बना के वीडियो लेक्चर वगैरह अपने साथ में कुछ मैं वो शेयर कर देता हूँ, जिस पे मेरे पास ये है कि क्योंकि मैंने देखा यार यहाँ व्हाइट बोर्ड पे समझाना ही बड़ा औखी का काम है मुझे लगता है। कौन सी चीज पर नजर आती है कौन सी नहीं नजर आती, तो वो अब उनसे शेयर कर दूंगा। फिर ये है कि उस लेक्चर्स के ऊपर फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे ना उसमें आपको लगेगा उस पर डिस्कस करेंगे, अगर इफ यू फील इट ओके। अगले अगर आपको फील होता है कि नहीं सर इसी तरह आप बस रादर देन लेक्चर अपलोड करने के बजाय वीडियो आप हमें जो है ना वो इसी तरह पढ़ाएं तो इस तरह कर लेंगे जैसे आप मुनासिब समझेंगे। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये पंप्स के ऊपर जो है ना दो एक कम से कम लेक्चर जरूर करूं, इसमें कुछ चीजें जो है कुछ ऐडअप करवाना चाह रहा था। बाकी अदरवाइज ये जो आपके सामने नोट्स हैं ठीक है यही अरेंजमेंट है, इसी को आप बेसिकली फॉलो करें। अदरवाइज डिक्सन की बुक उसको देखें, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है कि आप स्पेसिफिकली आप इसको फॉलो करें। लास्ट टाइम आप लोगों से बात हो रही थी ना, तो आप इसको फॉलो करें, जो आपको करवा रहा हूँ वो आप करें, इनशाला कोई इशू नहीं है। आप डिक्सन के प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा अभी, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने अभी अपलोड किया ना पंप्स रेगुलेशन के ऊपर, वो बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। मैं इधर इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ अपने पास। एक्सक्यूज मी सर, जी जी प्लीज, सर काइंडली स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। सही, अच्छा ये एक मिनट, मेरे पास वो पिक्चर अभी ओपन हो रही है, ब्लैक ब्लू है टोटल। वालेकुम सलाम, सिर्फ
सिर्फ एक लाइट ऑन करना। अच्छा यहाँ पे पिक्चर जी, ये देखिए पिक्चर आपका शेयर हो गया। यस सर, ठीक है। अच्छा ये इसके ऊपर मैंने कुछ थोड़ा बहुत बेसिक समझाने की कोशिश की, पहले थोड़े से बेसिक क्लियर करने की कोशिश की। इसमें कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम है, जो पंप की रेगुलेशन है, यानी कि अलग हमारे पास एक केस है, आपके पास पंप मौजूद है, लेकिन वो पंप जो है वो डिज़ाइन डिफरेंट फ्लो रेट के हिसाब से है, आपकी रिक्वायरमेंट लेस पर चेंज हो गई है और आपने उसको डिफरेंट फ्लो रेट के ऊपर आपने एडजस्ट करना है। तो उसमें तीन तरह के हमारे पास मैथड होते हैं। हमने पहले बात की कि एक ये है कि हम उसको सिंपल वाल्व के थ्रू उसको हम कंट्रोल कर लें। लेस पोज डिज़ाइन उसका हेड और जो फ्लो रेट है वो हमें पता है कि लेस पोज उसका हेड जो है वो 10 मीटर है, उसी तरह उसका फ्लो रेट लेस पोज जो है वो भी 8 मीटर क्यूब पर मिनट है, ये जो भी, तो डिफरेंट वो हमें पता है उसका। लेकिन अगर हमें उससे लेस वैल्यू पे हमें अगर जाना है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल वैल को ऐसे ऐसा क्लोज करता जाऊँगा तो उसके थ्रू भी मैं जो है जो मुझे रिक्वायर्ड फ्लो रेट है उसको मैं मीट कर सकता हूँ। अच्छा एक मेथड ये था, दूसरा मेथड हमने एफिनिटी लॉज एंड फर्मिंग दो मेथड पढ़े थे, बाकी दो और हैं जिसपे हमने एक स्पीड है कि अगर मैं पंप की स्पीड को कम कर दूंगा तो डेफिनेटली स्पीड का मतलब क्या होगा कि मैं उसमें एनर्जी कम दे रहा हूँ तो उसके स्पीड कम होने से भी क्या होगा, वो लेस फ्लो रेट को कंडीशन करेगा, आपका फ्लो रेट आप मजीद अगेन हम एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड ये था सॉरी कि हम उसको ट्रिमिंग कर दें। तो बेसिक उस प्रॉब्लम के लिए ये मैं आपके साथ शेयर आपके पास आ रही हूँ, मतलब चेंज हो रही है आपके आलम के पास भी डिफरेंट रेगुलेशन जब हम अप्लाई करते हैं इसमें मेरे पास यहाँ से इसको ये। तो ये हमारे पास ये कुछ ये मेरे पास जो है वो अफिनिटी लॉज जो है ये बेसिकली वो टोटली ये सारे मैंने ये बेसिकली एक्सप्लेन किए थे कि डिफरेंट हमारे पास लोडिंग लाइंस हैं जब हम रेगुलेशन करते हैं। अच्छा अफिनिटी लॉज जो है ना वो थ्रॉटल के साथ अलग नहीं है, थ्रॉटलिंग इज समथिंग एल्स, थ्रॉटलिंग तो यही है कि सिंपली वाल्व के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो वाल्व के थ्रू हम सिंपल रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, उसमें हम सिस्टम को एक्चुअली चेंज करते हैं। वहाँ पे अफिनिटी लॉज तो हम लगते हैं जब हम पंप्स को चेंज करते हैं तो पंप्स के जो ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि पंप का कर्व किस तरह चेंज होता है, ठीक है। जब हम वैल को चेंज करते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को डिफरेंट पॉइंट के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पंप्स को जब हम पंप को रेगुलेट करते हैं तो उसमें समझ में क्या कि सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे, हम पंप को जो है उसका ऑपरेटिंग पॉइंट नियर शिफ्ट कर रहे हैं रेगुलेशन के थ्रू, उसकी आरपीएम या उसके टायर के थ्रू। तो अफिनिटी लॉ जो बेसिकली वो सिंपली आपका जो रिलेट करता है किसको, जब पंप कैरेक्टरिस्टिक्स को, किस सूरत में, जब आपके पास जो है वो स्पीड रेगुलेशन हो या आपके पास जो है ट्रिमिंग हो। इस तरह ये बेसिकली एक वन ऑफ प्रॉब्लम है जो जो बेसिकली मैंने बेसिकली सॉल्व किया है कि आपके पास लेस पर कोई भी आपके पास हमने माइट भी एक किया था प्रॉब्लम की लेस पर हमें सिस्टम की इक्वेशन पता हो कि सिस्टम की क्या इक्वेशन है और हमें अगर पंप की इक्वेशन पता हो, ये दो हमें इक्वेशंस पता हो तो हम क्या ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ये कोई हेल्प आउट करेगा कि ये सिस्टम की इक्वेशन है और ये पंप की इक्वेशन है, ये हमें अगर हमें पता हो तो हम क्या ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। यस सर, इसे इक्वेट करके क्यू तो निकल आएगा, देन क्यू से एच निकल आएगा, एच निकल आएगा, एग्जैक्टली सिंपल हम इक्वेट करते हैं। इक्वेट का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग पॉइंट वही है जिसके ऊपर बेसिकली आपका सिस्टम और पंप के दोनों कर्व एग्जैक्टली जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ वो मैच कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल वो कट कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट है जो कि दोनों में कॉमन पॉइंट है, वो क्या है, वो सिंपली हम इनको इक्वेट करने से आता है। अब वो जो आपके पास सर्टन आएगा वो
आपके पास डिफरेंट आएगा, और वो कहता है कि जबकि टारगेट क्या है, टारगेट आपके पास 6 मीटर क्यूब पर मिनट आपको चाहिए। इस सूरत में उसने फिर कहा हुआ कि आपके पास जो है वो फ्लोरेट, हेड एफिशिएंसी और पावर, ये आपने बेसिकली फाइंड करने हैं तीनों डिफरेंट रेगुलेशंस के लिए। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे बेसिकली सॉल्व मैंने नहीं किया हुआ आपके साथ, अगर मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूंगा, अपने अपने तौर पर ज़रा करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें तीनों जो है रेगुलेशन अप्लाई करनी है, और तीनों रेगुलेशन अप्लाई करके उनको आपस में कंपेयर करना है, देखना है कि एनर्जी एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से कौन सी रेगुलेशन ज्यादा जो है वो बेसिकली बेहतर है तीनों में। ये एक तो QH एफिशिएंसी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा प्लस ये भी बताना है आपने एंड पे कि कौन सी रेगुलेशन जो है वो एक दूसरे से बेटर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक ही है, हमने वो फ्लोरेट अचीव करना जो क्या है वो टारगेट है 6 मीटर पर मिनट। अगर मैं थ्रॉटलिंग करता हूँ ना, तो थ्रॉटलिंग के केस में मैं क्या करूंगा, जब मैं थ्रॉटलिंग करता हूँ उसका मतलब क्या है कि मैं सिस्टम की इक्वेशन को चेंज करूँ, पंप की इक्वेशन को चेंज नहीं कर, और ये बिल्कुल एक सिंपल सा केस है। तो उस सिनेरियो में जब मुझे फ्लोरेट मुझे पता होगा, मैं अगर उसको बनाने की कोशिश करूँ तो उसको किस तरह बनाऊंगा, मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ, अगर आपको कुछ नजर आता है तो देन आई विल ट्राई कि मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ। आपको कुछ नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड पे, नजर आ रहे हैं लाइन, नजर आती है? हेलो, लाइन नजर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, बट सर नीचे शेड वो काफी रिफ्लेक्शन आ रही है लाइन से नीचे रिफ्लेक्ट। एक मिनट, मैं लाइन कलर ऑन करने की कोशिश करता हूं। गाइस यहां पे सॉरी ऑन करके गए हैं, लेकिन पावर पॉइंट शेयर करके उसको कुछ इंप्रूवमेंट आई है या हेलो इसका मतलब है कि मेरे पास एरिया है, तो मेरे पास एरिया है इस तरफ से शुरू करो, ये सारा ये सारा एरिया मेरे पास आ रहा है। अच्छा, मैं बनाता हूँ, मुझे बताइएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास अगर मैं सिंपल थ्रॉटलिंग करता हूँ उस सर्वे में हमारे पास क्या होगा। मैं ये सिंपल कर्व पंप के कैरेक्टरिस्टिक्स के कर्व बनाता हूँ पंप और सिस्टम का। हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे क्या आता है, हेड आता है, या हमारे पास फ्लो रेट आता है। अच्छा, जब हम इसी तरह मेरे पास सिस्टम कर्व भी होगा, ये मेरे पास क्या होगा सिस्टम कर्व। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट है जो कि OP से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है सिंपल, जब मैं कोई रेगुलेशन नहीं कर रहा। ठीक है, ये लाइनें सबको नजर आ रही है ना? यस सर। गुड। अच्छा, अब यहां मैं ऑपरेटिंग मैं उन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करके पंप को देखता हूँ। पहले तो मैं सिर्फ ये चेक तो करूँ ना भाई उसमें क्या उसमें जरूरत है भी या नहीं है। वो अगर मैं दोनों को इक्वेट करके जब चेक करता हूँ तो माइंड भी अगर चेक कर लीजिए, माइंड भी एड या जितना भी आपके पास आता है फ्लो रेट आता है, तो जब मैं उसको फिर मैं जब अगर वेल अगर मैं उसके ऊपर लगा दूँ, एक यानी एक सिस्टम है इसी तरह जिस तरह आपका पाइप लगा हुआ है आगे जो भी लगा हुआ है, अब मुझे कहा जाता है कि यार ये फ्लो रेट है, इस फ्लो रेट को हमने कम करना है, तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं उसके ऊपर वेल लगा के उसको क्लोज करना शुरू करूँगा, तो उससे मैं फ्लो रेट को कम कर सकता हूँ। ठीक है,
अब लेट्स सपोज जब मैं उसको क्लोज करना शुरू कर दूंगा बैल को जो उससे क्या होगा, पम के कर्व को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेट्स सपोज ये मेरे पास था, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास है जो ऑपरेटिंग पॉइंट था फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं फॉर 8 m³/min जो वो डिलीवर कर रहा था, ठीक है। मुझे टारगेट क्या है, मेरे पास 6 चाहिए, तो मुझे 6 जो है वो लेट्स सपोज मुझे कहां मिलेगा। अब पम का तो चेंज नहीं हो रहा, तो लेट्स सपोज मैं देखता हूं कि मेरे पास 6 पास नंबर ये किस पॉइंट पे मेरे पास 6 आ रहा है, मैं इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। लेट्स सपोज ये मेरे पास देखो 6 आ रहा है, मुझे ये पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर उसको ऑपरेट करवाना है, तो मुझे क्या मेरा रिक्वायर्ड टारगेट मेरा क्या है, 6 m³/min, ये मेरा टारगेट है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं फिर एक्चुअली करूं क्या, मैं बेसिकली मैं ये कर रहा हूं कि सिस्टम की इक्वेशन को चेंज कर रहा हूं। जब मैं थ्रॉटलिंग करूंगा तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं अपने जो है इस कर्व को बेसिकली मैं ये शिफ्ट कर रहा हूं। तो अब मेरे पास नया जो सिस्टम का है उसको मैं लेट्स सपोज डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो नया कर्व मेरे पास ये आएगा। तो बेसिकली वैल के थ्रू मैंने किस पॉइंट में लेके दूं, तो फिर जब मैंने क्या किया वैल लगाया और वैल को क्लोज करना शुरू किया, तो जो क्लोज कर रहा हूं तो क्या एक्चुअली उससे हो क्या ना, ये ऊपर की तरफ क्यों हुआ है, नीचे की तरफ क्यों नहीं हुआ। ऊपर की तरफ होने का मतलब क्या हो, क्या ये शो कर रहा है कि हेड बढ़ रहा है। जब हम क्या करते हैं, जब हम फ्लो रेट कम करते हैं ना पंप में, तो उस वही जो फ्लो रेट जब उसका कम होगा, तो कम फ्लो रेट में अगर जब सेम एनर्जी अगर ऐड करेगा पंप, तो डेफिनेटली उसका हेड क्या होगा, वो हायर होगा। पंप का काम एक सर्टेन मोड ऑफ एनर्जी डिलीवर करना, वो उसमें उसने डिलीवर की। तब क्या हुआ कि अब उस एनर्जी जो है उस पंप ने दी उसमें सारी, तो वो क्या हुआ, फ्लो रेट जब कम हुआ तो उसका जो पर यूनिट जो भी है या पर केजी जो भी आपके पास आ रहा है, जब फ्लो रेट क्योंकि कम हो गया तो आपके पास हेड जो है आपके पास क्या बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो बेसिकली मैं वैल क्लोज कर देखा अगर ऊपर तक शिफ्ट करूँ, तो इस तरह जितना क्लोज करेंगे इसी तरह आपके पास ये डिफरेंट लाइन आपके पास आएंगे। तो ये चीज आपको समझ आई है जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्लियर है? ठीक है, तो हम एक्चुअली इस पॉइंट को हमने अभी फाइंड करना है। अब मुझे पता है इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, टारगेट मुझे पता है 6, तो लेकिन क्यू तो मुझे ऑलरेडी मुझे पता है कि मेरे पास फ्लो रेट मेरे पास 6 m³/min मेरे पास फ्लो रेट होगा। लेकिन अब मुझे इसके अलावा मुझे चाहिए हेड, अगर मुझे फाइंड करना है तो हेड मैं कैसे फाइंड करूंगा, ठीक है, हेड मैं कैसे फाइंड करूंगा इस पॉइंट के ऊपर, तो बता सकते हैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, या सिस्टम की लगाऊंगा, पंप की इक्वेशन लगाऊंगा या सिस्टम की इक्वेशन लगाऊंगा, पंप की मेरे ख्याल से पंप की लगाऊंगा, क्योंकि पंप की इक्वेशन जो ज्यादा होल्ड करती है ना इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन सिस्टम की इस सिस्टम की इक्वेशन मेरे पास मौजूद नहीं है। जब मैंने वैल लगाया ये चेंज हुआ, ये तो क्वालिटेटिवली समझाने के लिए बता रहा, लेकिन इस कर्व की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ओरिजिनल तो कर्व मेरे पास ये गिवन था, ये गिवन था जब मुझे कहा कि रेगुलेट करने के लिए, फिर मैंने अपनी तरफ से उसके ऊपर वैल लगा के रेगुलेट करके मैंने कहा मैं ये कर दूंगा और इस तरह ऊपर डेफिनेटली शिफ्ट होगा, तो ये पढ़ लेगा। मुझे पॉइंट फाइंड करना है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास इन ब्लैक कर्व्स की है दोनों की, तो लेकिन इस पॉइंट के ऊपर तो मेरे पास क्योंकि पंप का वो होल्ड करता है, मैं क्या करूंगा, ये फ्लो रेट जो मुझे चाहिए उस फ्लो रेट की वैल्यू मैं पुट करूंगा, पर क्या करूंगा उस पंप की हेड की जो इक्वेशन दी है उसमें पुट करूंगा, तो वहां से हेड मेरे पास आएगा सिंपल इज दैट, और वो क्या होगा वो बेसिकली उसके ऊपर होल्ड करती होगी और वहां से मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास हेड आएगा। ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये नोट कर रहे हैं, आपने ये सॉल्व करना है, ओके। दूसरी चीज, तीसरी थर्ड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, क्या है आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी के लिए भी अगर आप देखें आपके पास स्लाइड पे वापस अगर आप आए तो आपके पास एफिशिएंसी का यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन, आपको दी हुई है, आप देख रहे हैं स्लाइड पे वापस आए, जो आप स्लाइड सॉरी कह रहा हूँ जो पिक्चर मैंने शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो जो प्रॉब्लम वाली, आए वापस ये एफिशिएंसी की नजर आ रही है, कर्सर नजर आ रहा होगा आप लोगों को, आए हो, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है किसकी एफिशिएंसी है, सिस्टम की एफिशिएंसी या पंप की एफिशिएंसी है, हेलो पंप की एफिशिएंसी है, सिस्टम की कोई एफिशिएंसी नहीं है, पंप जो डेफिनेटली मशीन वर्क कर रही है मेन वो पंप है, और ये पंप की एफिशिएंसी की, पंप की एफिशिएंसी होती है ना डिस्कस भी की था, किस तरह शो में बढ़ती है
ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ फिलनेस होती है, ये पंप की एफिशिएंसी है। तो पंप जब हम सिस्टम के साथ कुछ भी कर रहे हैं, पंप की एफिशिएंसी क्या, वो थ्रू पंप के साथ कुछ भी नहीं हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं, पंप की एफिशिएंसी होल्ड कर रही है, डेफिनेटली डिफरेंट फ्लो रेट के ऊपर डिफरेंट एफिशिएंसी होगी। तो जब हम इस पॉइंट पे थे तो यहां भी एफिशिएंसी होल्ड कर रही थी पंप की, यहां भी होल्ड कर रही, थ्रू इस लाइन के ऊपर वो क्या है, वो पंप की एफिशिएंसी होल्ड कर रही है, वो इस स्पेसिफिक इस लाइन ई वो एफिशिएंसी है, इस पे वो होल्ड कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर ये अगर मुझे एफिशिएंसी मुझे चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस एफिशिएंसी जितनी उसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो फिर क्या करूंगा, सिंपल वही जो फ्लो रेट जो मैंने जो हमारे पास टारगेट था निकालगा वही इस एफिशिएंसी में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एफिशिएंसी सॉरी वो इक्वेशन पुट करूंगा फ्लो रेट की वैल्यू, तो मेरे पास एफिशिएंसी भी आ जाएगी। अब आप समझे, तो लिहाजा यानी कि पंप की इक्वेशन के ऊपर अप्लाई किया, हमारे पास हेड आ गया जो एच पंप वाली इक्वेशन पे, इसी तरह की एफिशिएंसी पे क्यू वैल्यू पुट की तो हमारे पास सिंपल एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। आगे इसी तरह फोर्थ थिंग है पावर, पावर हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास है सिंपल, आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे लिखता हूँ, तो पावर हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास है रो क्यू जी एच, ये हमारा पावर है। अगर लेस पर इसमें कोई मैकेनिकल एफिशिएंसी वगैरह दी हुई है तो वो अब सिंपली फिर क्या करेंगे आप उससे उसको डिवाइड कर दें, अगर कुछ दी हुई है, अदरवाइज सिंपल वही है, अगर उसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको दी हुई है तो सिंपली इसको ये डिवाइड कर दें, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन लगाने हैं, अब वाटर को कर रहे हैं, ठीक है, वाटर की डेंसिटी आपको पता होगी जिस टेम्परेचर को डील कर रहे हैं, ये आपको गिवन होना चाहिए या आप जब स्टैंडर्ड वैल्यू आप इसको लेते हैं। फ्लो रेट ऑलरेडी 6 पता है, हेड ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे, ये एफिशिएंसी आपको गिवन होना चाहिए, अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी जो वो देखें जो है रियल सिस्टम की आती है डेफिनेटली, तो आपके पास गिवन होना चाहिए, आप इससे बाइक करेंगे सिंपल हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास पावर आ जाएगी, हो जाएगा ये। तो पावर का दोबारा बताओ, पावर ये आपको नजर आ रहा है, मैंने लिखा होगा पावर इक्वल टू है डेंसिटी यानी रो क्यू जी एच डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी, यानी कि जो आपका पंप है ना वो जितनी एनर्जी उसने डिलीवर करनी है फ्लूड को सारी की सारी नहीं मिलती, बीच में मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके पास ये गिवन हो तो आप इससे डिवाइड करें, तो अब इसमें हमें वैल्यूज कौन कौन सी चाहिए, डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी वाटर की डेंसिटी पुट करें जिस टेम्परेचर के ऊपर अब उसको कर रहे हैं, करो गिवन है अदरवाइज स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें डेंसिटी की। क्यू जो है ऑलरेडी हमने फाइंड किया है कि 6 के ऊपर हमने कर रहे हैं, तो 6 फ्लो रेट को कंडीशन कर रहा है क्यू, अब जी 9.8 सिंपल, एच पे हमने ऑलरेडी वो पंप की इक्वेशंस हमने एच हमने फाइंड हम कर लेंगे, वो जो शुरू में हमने ऑलरेडी हमने वो किया होगा, कितनी पावर कंज्यूम करेगा अगर हम थ्रॉटलिंग करते हैं, यानी कि हम अगर वाल्व क्लोज उसके थ्रू अगर हम कंट्रोल करते हैं तो इतनी पावर जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा कि कितनी पावर जो है वो बेसिकली आपकी पंप कंज्यूम कर होगा। बात समझे, क्लियर है? अच्छा सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, एक मिनट यही बात ना, सुबह सुबह मैं सफर करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ यार, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी नहीं आएगी डेफिनेटली, आनी चाहिए ये एफिशिएंसी हमने फाइंड की है ना, ये एफिशिएंसी है ये वाली जिसके अंदर बेसिकली हाइड्रोलिक पंप की एफिशिएंसी हो, ये आनी चाहिए, वो मैकेनिकल एफिशिएंसी वो तो बाहर है, वो तो आपकी इलेक्ट्रिकल टू पंप ट्रांसफर के ऊपर आती है, जिसको बेयरिंग वगैरह होगी वो आप, बाकी जो इंपेलर से फ्लूड के दरमियान जो एफिशिएंसी है वो ये वाला ही कर रहा है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट बताई थी आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वगैरह आपकी आती है, लेकिन जिस वगैरह जो भी होती है ये सारी ये वो वाली एफिशिएंसी आपके पास, ठीक है। तो ये उससे बेसिकली ये डिवाइड करना है, तो डेफिनेटली जब हम थ्रॉटलिंग की तरफ हम जाते हैं तो उस थ्रॉटलिंग की वजह से आप देखेंगे एफिशिएंसी पंप की अच्छी खासी यहाँ पे एफिशिएंसी अपनी इसकी कंप्रोमाइज हो रही होती है, ठीक है। अच्छा सॉरी बीच में क्वेश्चन था किसी का, सर ये जो जो इक्वेशन सर ये लिखी हुई है इसमें पिक्चर में, जी सर ये किस तरह आई है? अच्छा ये इक्वेशंस बेसिकली है क्या, देखें आपके पास सिंपल सी अगर मैं अगर आपको बात बताऊं ना, वैसे तो बल्कि आपके साथ एक दो 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 चार कंसेप्ट से आपके साथ शेयर करने थे कि आपका हेड और फ्लो रेट जो आपस में किस तरह रिलेट करता है, ये बेसिकली इक्वेशंस हैं क्या,
ये है आपके पास हेड और फ्लो रेट का आपस में रिलेशनशिप के ऊपर है, अंडरस्टैंड कर रहा मेरी बात को, रिलेशनशिप ही है ना बेसिकली, यानी उस कर्व की इक्वेशन है बेसिकली। अब ये किस तरह आपस में रिलेट करता है, अब आपके साथ आपको ना थोड़ी सी यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, बेसिक बेसिक के ऊपर हम चलते हैं वापस वापस वेलोसिटी एंगल्स की तरफ हम जाते हैं। ये अच्छी बात आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ से व्हाइट बोर्ड पे, अच्छा आपके पास ये आपके पास रोटर के ब्लेड की रो है, ठीक है, ये आपके पास, ये आपके पास देखो यू है, यहां से हमारे पास फ्लो रेट हमारे पास आता है यहां से, ठीक है, इस तरह से फ्लो आ रहा है और ये नेक्स्ट पोल आपके पास यहां से ये फ्लो आ रहा है आपके पास, ये आपके पास क्या है वो W1 आपके पास है, ठीक है, ये वन हो गया ना, ये टू हो गया, नजर आ रहा है सारा जो लिखा हुआ है, आई मीन जो व्हाइट बोर्ड में कैमरे में क्लियर हो रहा है ना, ठीक। अच्छा उसके बाद ये आपके पास U1 हो गया और ये हमारे पास वही बताना है जहां पे मसला हो कोई भी नजर ना आए या कोई भी। अच्छा अब जब फ्लो इसमें से गुजरेगा क्या करेगा, ये डेफिनेट कंडीशन करेगा और यहां से आपके पास ये बताइए कहां तक जा रहा है, यहां तक ये नजर आ रहा ना आपको सर? नहीं सर, बताइए एंड से एक अच्छा ये ऊपर 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 इससे ऊपर बस ठीक है, ये यहां तक तो नजर आ रहा ना, ये देखिए अब नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट जी सर, ठीक है मैं इसको थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा बस वो डिफरेंशिएट करने के लिए ये चीज, ठीक है। अच्छा अब यहां से फ्लो रेट निकलता है, पहले मैं सिंपल एक काम करता हूँ, बल्कि चले इसको ये लेता हूँ, सिंपल ये लेता हूँ, ये मेरे पास देखो डिजाइन फ्लो रेट के ऊपर, जब डिजाइन फ्लो रेट है एक ऑप्टिमम वैल्यू के ऊपर, उसके ऊपर जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो उस सारे में हमारे पास ये अच्छा अब यू वन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फिक्स है, ये हमारे पास जो वो यू वन है, सॉरी और यहाँ पे वो इक्वल टू यू टू है, ये यू टू होगा हमारे पास, क्लियर है। अब मेरे पास डब्ल्यू टू यू टू और ये मेरे पास क्या होगा सी टू, क्लियर है, ये मेरे पास सी टू है। अच्छा अब एग्जाम मतलब नीचे की तरफ मैं आता हूं, इस तरफ नीचे आता हूं, ये तो नीचे की तरफ, ये जो लाइन नीचे की तरफ है ये क्या है, ये मेरे पास थीटा की डायरेक्शन है, ये मेरे पास थीटा की डायरेक्शन है ना, और सीधा कर मैं जाता हूं इस लाइन को, जो मैं फॉलो करूं इस तरफ जाऊं तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक्सियल डायरेक्शन है, एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। अब इस हिसाब से मैं इसको करता हूं, मैं देखता हूं तो यहां मेरे पास सी टू का जो है वो, ये मैं बी टू को अंदर लिखता हूं यहां पे,
तो ये मेरे पास यहाँ पे sin theta 2 क्या है, वो मेरे पास, ये मेरे पास sin theta 2 है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लॉन्ग में इधर करूं इधर करूं उसको, एक ही बात है ना, theta की डायरेक्शन में इसके दो है, ये इसका cx हो जाएगा x के ऊपर और वर्टिकल के ऊपर इसका ये theta 2 कंपोनेंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका फ्लो रेट को चेंज करता हूँ। अब ये मेरे पास क्या था, ये किसके ऊपर था, जब फ्लो रेट कितना था मेरे पास, ये क्यू डी आपको नजर आ रहा है, जब डिजाइन फ्लो रेट है उसको मैं क्यू डी क्या, क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, फ्लो रेट को कम करता हूँ, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जब फ्लो रेट को कम करता हूँ तो मेरे पास लेस पोज ये है, ये वाला फ्लो रेट है, और ये फ्लो रेट कौन सा है, जब मैं फ्लो रेट को मैंने क्या किया, मैंने कम कर दिया ये क्यू, और ये नीचे मैंने एरो सिंबल डाला है, फ्लो रेट में कम कर दिया। जब मैंने कम किया है तो मेरे W2 इतना है तो U2 तो वही है ना, वो तो सेम है ना, पंप तो वही है, फ्लो रेट सिंपली मैंने कम किया। अब उस सिनेरियो में मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ रहा है U2, तो इस सिनेरियो में मेरे पास C2 क्या होगा, ये मेरे पास C2 होगा। अर्सन करा बात को, हेलो क्लियर अभी तक? ठीक है, कुछ समझ आ रही है? हाँ कर दिए करो यार, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा ये C2 हो गया, अब इसका कंपोनेंट देखिए, इसका C theta 2 कितना होगा, ये इसका C theta 2 है, मैं पर डिफरेंट कर नहीं है, मैं ये भी पढ़ा हूं, लेट इसको नजर आता हूं, ये वाला C theta 2 जो मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास C theta 2 हो गया, ये C theta 2 है, क्लियर? पहले मेरे पास C theta 2 क्या था, वो ये था पहले केस में, अब मेरे पास सी थीटा टू मेरे पास ये है, ठीक है? हेलो आवाज आ रही है लोगों को? यस सर। अच्छा अब मैं फ्लो रेट अगर बढ़ाता हूँ डिजाइन से ऊपर ले जाता हूँ तो उस सिनेरियो में मेरे पास क्या होगा, उस सिनेरियो में मेरे पास माइट बी, अब मेरे पास जब यू टू जब मेरे पास ये रहा है, ये होगा तो सी टू मेरे पास फिर क्या होगा, उस सिनेरियो में सी टू ये देखने यहाँ से ये मेरे पास सी टू मेरे पास, इस सिनेरियो में मेरे पास सी थीटा 2 मेरे पास कितना आएगा, ये स्मॉल सी थीटा 2 है, ये क्लियर है? अच्छा अब हम इसमें देखें इसमें हो क्या, इसमें ये हो रहा है कि जो जो हम फ्लो रेट यहां पे क्या था, ये क्यू बढ़ाना था, डिजाइन से जो जो नीचे जाते जाते हैं सी थीटा 2 बढ़ता जाता है, जो जो फ्लो रेट बढ़ाते जाते हैं सी थीटा 2 कम होता जाता है। सी थीटा 2 क्या है, सी थीटा 2 ही तो हेड है, अर्लियर क्वेश्चन में यही चीज पड़ी थी ना, हेड क्या है उसमें यू वन सी थीटा 1 और जो है यू टू सी थीटा 2, इसी तरह ना जैसे प्योर एग्जिट केस है तो उसमें सिंपल हेड इज इक्वल यू टू सी थीटा 2 रह जाता है, यू टू तो चलो सेम है, सी थीटा 2 जो है मीन क्या हुआ, यू टू फ्लो रेट कम करना पड़ता है, इसमें क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक और चीज देखिएगा इस लाइन के, हेलो हेलो सर। अच्छा बस यार दो चार मिनट लोग, हम असल में दूसरी क्लास है यहाँ पे। अच्छा अब ये है कि ये जो लाइन ना, अब देखिएगा ये जो एग्जैक्टली यू टू सेम है तो बेसिकली क्या होगा, इसी तरह ये भी पैरेलल लाइन बनेगी, ये वाली ये कर्व। अब इस लाइन को अगर मैं देखूं तो ये देखिएगा ये लाइन यहाँ पे आके कट कर रही है, चलो अब ये कौन से पॉइंट है और ये पॉइंट कौन सा है, अब इसको जरा देखते हैं। ये वो पॉइंट है जब मेरे पास क्या ये देखिए ये क्यू इस तरफ बढ़ा है ना, ये हायर, और जब डब्ल्यू टू बिल्कुल जीरो पे पहुंच गया इसमें क्या फ्लो रेट हो ही नहीं रहा, क्यू जीरो है, तो ये जो लाइन है ये वाली एग्जैक्टली ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है q इज इक्वल टू 0 है, और q इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पास क्या है, आपके पास हाईएस्ट आपके पास c थीटा 2 होगा, यहां पे देखें अगर c इधर इस तरह बना तो कितना टोटली सारा c थीटा 2 है, जो इधर जाता जा रहा है c थीटा 2 कम होता जा रहा है, हेड कम होता जा रहा है, फ्लो रेट आगे बढ़ता जा रहा है, तो यहां पे फ्लो रेट हायर है लेकिन इस जगह पॉइंट पे जाके क्या हुआ, c थीटा कम होता तो बिल्कुल यहां पे 0 होता, तो यहां पे एक्चुअली क्या हेड h इज इक्वल टू 0 आपके पास। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं कैरेक्टरिस्टिक्स में तो वो किस तरह ड्रॉ होगा, वो बेसिकली
ये आई होप आपको नजर आ रहा होगा ये चीज, इसी को अगर देखो तो बेसिकली क्या बनेगा एग्जैक्टली आपके पास ये, आपके पास फॉर एग्जाम्पल डिजाइन पॉइंट ऊपर आपके पास ये था, ये फादर हमारे पास डिजाइन पॉइंट था, तो हमारे पास वो कर आएगा इस तरह ये मतलब ये कर रहा है ये हमारे पास ये डिजाइन पॉइंट था टू डी था, तो जू न्यू आप फ्लो रेट ये हमारे पास क्यू है हमारे पास एच है, जू न्यू फ्लो रेट बढ़ाते जा रहा है हेड हमारे पास कम होता जा रहा है, फ्लो रेट कम कर दिया है और ये वो पॉइंट है जहां आपके पास जीरो है और ये हमारे पास एच जीरो। अब इसी तरह हमारे पास रियलिटी में फिर क्या होता है एस्पिरेशन, तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, तो बेसिकली इक्वेशंस को बताने का मकसद था कि वो बेसिकली इस लाइन की इक्वेशंस हैं जो बेसिकली डिफाइन करें आप पंप को ऑपरेट करें और डिफरेंट पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यूज लेते जाएं, आप उसी लाइन को डिफाइन करें, ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं वो बेसिकली क्वाड्रेटिक लाइन होगी जो ये बेसिकली आपके पास ये इक्वेशन आपके पास आई हुई है। ठीक है, अच्छा मैं तो यार यहाँ वाइंड अप करता हूँ, मैं अपने साथ शेयर किया आप इस प्रॉब्लम को जरा पूरा देखिएगा अपने तौर पे, फिर हम इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे ठीक है, और तीन चार और कंसेप्ट इंशाल्लाह बस हमारा ये पंप का जो हमारा जो है ना ये हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है थोड़ा सा साइड में तस्वीर एक बनानी थी सर, बना लो पिक्चर, लेकिन मैं चलो बना लो पिक्चर बना लो ये वैसे अब चल हो जाएगा, उसमें वो वीडियो भी आ जाएगा ना, वीडियो हो जाएगी ना आपके पास शेयर हो जाएगा, उसमें बोर्ड नहीं आता। अच्छा ठीक है, उसमें सिर्फ शेयरिंग आती है जो आप शेयर करते हैं। अच्छा सही है, चले ठीक है फिर जस्ट है, ओके फिर थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम।